हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीपीटीआरपी। आज का ये वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे और मातृपितृ दिवस दोनों ही है। आज नवे की मैडम ने हमें अपने घर में बुलाया है। वो वैलेंटाइन डे के खिलाफ है और उनका कहना है कि हमें मातृपितृ दिवस मनाना चाहिए। तो चलिए देखेंगे कि उनके घर में आज क्या है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम पहुंच गए हैं मैडम के घर में और सभी पेरेंट्स आ चुके हैं। उन्होंने सबको बुलाया था। अब कुछ ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हाँ मैडम, ये बताइए आज सबको आपने क्यों बुलाया है? आज हमने भाई ये हमारे बापू जी आसाराम जी बापू, संतरी श्री आसाराम जी बापू, हम योग वेदांत सेवा समिति से हैं और हम लोग आज मातृपितृ पूजन दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो प्रेम होता है, जरूरी नहीं कि ये जो लड़कों और लड़कियों का प्रेम होता है वो होता है, माता पिता का प्रेम होता है, सास बहू का होता है, बच्चों का प्रेम होता है। इसी प्रेम की परिभाषा को हमारे गुरुदेव ने, ये जो पश्चिमी सभ्यता है वैलेंटाइन डे, इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उसके विरोध में, उसकी जगह के हम मातृपितृ पूजन दिवस की वो प्रथा शुरू की है। तो उसी को मनाने के लिए हमें यहाँ इकट्ठा करें। हमारी जो भारतीय संस्कृति है जिसमें माता पिता जो सबसे शिरोमणि है, हर माँ बाप बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन माता पिता की पूजा का कोई दिन नहीं होता है, हर दिन होता है। लेकिन इस संस्कृति से जो गलत वीडियो में हमारे जो जा रहे हैं लोग, उनको इस संस्कृति को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए मातृपितृ पूजन दिवस की शुरुआत की गई है। तो उसी को मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें जो आज की युवा पीढ़ी जो अपने माता पिता से दूर हो रही है, सब वो हो रहे हैं जिसमें अपने बच्चों को अपने माता के पिता के प्रति स्नेह रहे और एक दूसरे के समीप लाने के लिए ये संस्कृति का हम लोगों ने, हमारे गुरुदेव ने, संत श्री आसाराम बापू जी ने प्रचलन शुरू किया। हाँ तो मैडम, ये बताइए जैसे आज वैलेंटाइन डे है तो इसका आप बहिष्कार करेंगी, बायकॉट करेंगी या मनाएंगी या क्या करेंगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वैलेंटाइन, हम किसी की भी संस्कृति का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को बता रहे हैं। इस संस्कृति में हर प्रकार का प्यार आता है, माता पिता का आता है, भाई बहन का प्यार आता है, सास ससुर सास बहू का आता है। हम लोगों ने जो शुरू किया है बहू और सास बहू का भी किया है, जो दूरियां बढ़ रही थी उसको नजदीकियों में लाने के, पति पत्नी का प्रेम बहुत पवित्र होता है, ठीक है ना जी। है तो हर प्रेम जो होता है वो हर रूप में बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो आज की जो व्यक्तियों की जो परिभाषा, जो युवा पीढ़ी की परिभाषा बन गई है कि प्रेम नहीं प्रदर्शित करना, कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, ये हमारी संस्कृति की परिभाषा नहीं है, ठीक है ना। ये पश्चिम सभ्यता की परिभाषा है जिसमें वो अपने माता पिता से विरोधी स्वभाव में बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में जो माता पिता का जो प्रेम है वो सबसे बड़ा पूजनीय है। पति पत्नी का भी प्रेम बहुत ही पवित्र है, ठीक है ना, भाई बहन का प्रेम है। प्रेम दिवस मनाए, लेकिन जरूरी नहीं कि उस प्रेम दिवस में हम ये गलत संगतों में, युवा पीढ़ी जो बिल्कुल गंदे वो कर रही प्रदर्शन, ये चीजों से वो करके फूल देना, चॉकलेट देना, घूमने जाना, बाहर जाना, जो अपने वीर का नाश कर रही है, कोई भी ऐसी बता दो कि अगर उनके मन में गलत भावना ना आती हो, इस तरीके से मिलने में गलत भावना आती है, लेकिन जो एक माता पिता का प्रेम है तो उसमें एक समर्पण की भावना आती है जी। हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बच्चा अगर पूजा करता तो वो तो वैसे ही हमें बहुत प्यार करते हैं, उनका जो स्नेह और जो समर्पण होता है, जो आत्मीयता होती है, वो और भी ज्यादा हो जाती है। चलिए थैंक यू मैडम। थोड़ी ही देर में पूजा स्टार्ट होगी। यहाँ पर मैडम अपनी सास के पैर पड़ रही हैं, उनकी आरती उतारी, टीका लगाया और फूलों की माला पहनाई हैं और उन्हें प्रणाम भी करेंगी।
यहाँ पर मैडम की सिस्टर भी पूजा कर रही हैं, फूल वगैरह उनके ऊपर डाल रही हैं, आरती उतार रही हैं, साथ ही टीका लगा रही हैं। यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे अपनी मम्मा की पूजा कर रहे हैं और माँ भी अपने बच्चों की पूजा की हैं और माला वगैरह पहनाए हैं और आरती उतार रहे हैं। अब नव्या और मान्या मेरी पूजा की, मुझे टीका लगाया इन्होंने और माला पहनाई और आरती उतारी, लड्डू खिलाया और बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Thank you.
अब बच्चे मेरे घूम रहे हैं मेरे चारों तरफ और मुझे प्रणाम कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने भी अपने बच्चों को गले से लगा लिया था और मैंने भी उन्हें किस किया। अब इनकी बेटी भी इनकी पूजा कर रही हैं, साथ ही टीका लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं और फूल मालाएं भी पहना रही हैं। उन्हें ये संस्कार बहुत ही अच्छे लगे। यहाँ पर मैडम ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और काफ़ी भावुक भी हो गई थी। उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर सभी लोगों ने चाय नाश्ता किया था, जिसकी क्लिप मैं आपको दिखा नहीं पाई। बाकी सब आपसी सब बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर सब जाने वाले थे अपने घर और सभी बाय कर रहे थे और हम लोग फिर अपने घर चले आए। और ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। हम तो अपने घर ही रहे, हम कहाँ से बाय। सो फ्रेंड्स, मुझे एक बात यहाँ कहनी थी कि आप मेरा वीडियो तो बहुत देखते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस को थम्स अप दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय।